हाय फ्रेंड्स, हमेशा की तरह प्राप्ति इन्फो चैनल कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आते हैं। आज भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आए। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है जब आप लोग अपना मोबाइल से कुछ ऑनलाइन फॉर्म फिल करने जाते हो या जॉब अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए जाते हो, तब आप प्रॉब्लम फेस करते हो। तब किसी दुकान पे या किसी के पास जाते हो जिसके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है। फ्रेंड, अपना मोबाइल से कर सकते हो। प्रॉब्लम कहां पे आता है, एंट्री तो आप कर देते हो, जो डेटा है वो तो एंट्री कर देते हो, लेकिन प्रॉब्लम यही पे आता है तो ऑनलाइन फिल करने के लिए जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलते हैं तो तब इसमें कुछ साइज डिफाइन करता है जो इतना केबी पे होना चाहिए और उसका साइज इतना होना चाहिए और जो फोटो है उसका साइज इतना सेंटीमीटर टू इतना सेंटीमीटर होना चाहिए, हाइट इतना होना चाहिए, वेट इतना होना चाहिए। तभी प्रॉब्लम आ जाता है यूजर्स कि नहीं होगा भाई, तो किसी दुकान पे चला जाता है। तो प्रॉब्लम यही पे है ना, साइज बनाना है। तो आज का टॉपिक में ये दिखाएंगे कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को साइज इजी से बना सकते हैं और जो फोटो है उसका भी साइज आप बना सकते हैं, वो भी कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करके, इजी एक क्लिक से हो जाएगा। तो चलते अपने मोबाइल पे और देखते हैं। सो प्लीज मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि अगर मैंने कुछ नया इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाया तो आपका काम आएगा और आप पहले ये वीडियो देख सकते हैं। तो पहले आपको जाना है गूगल पे, और मैंने जो बोला था कि एक क्लिक पे आपका जो बैकग्राउंड है, पीछे का जो बैकग्राउंड है, कोई भी बैकग्राउंड है, वो क्लियर कर सकते हैं। तो पहले इसको देखते हैं। तो कोई भी सॉफ्टवेयर जरूरत नहीं, मैंने बोला था सिर्फ आपको गूगल पे लिखना है BG रिमूवर, और पहला जो लिंक है रिमूव इमेज बैकग्राउंड, आप इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद ये पे देखिए अपलोड इमेज, आप जिस इमेज को बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं इस इमेज को ये पे अपलोड कीजिए। तो अपलोड इमेज पे क्लिक कीजिए, उसके बाद ये पे कैमरा ब्राउज है, आप ब्राउज पे क्लिक कीजिए, जिस फोटो को हम लाने चाहते हैं इस फोटो पे जाते हैं। उसके बाद ऊपर में थ्री डॉट दिख रहे हैं ना, आपको जहाँ जाना है, आपका एसडी कार्ड में है या फोन मेमोरी में, आपका लोकेशन जहाँ पे फोटो रखा हुआ है इस पे जाइए। आप देखिए, मैंने रिसेंट पे जाते हैं, रिसेंट पे मेरा एक फ़ोटो है, ये पे एक बच्चे का फोटो है देख रहे हैं ना आपको, उस पर एक बैकग्राउंड है, हम उसको लाते हैं। प्रिपेयरिंग टू अपलोड दिखा रहा है, ये अपलोड हो रहा है और साथ में उसका जो बैकग्राउंड है वो भी हटा देगा। ये देखिए, एक क्लिक पे अपना जो बैकग्राउंड है वो भी स्मूथली हटा दिया। अब इसको डाउनलोड करना है, नीचे डाउनलोड है, आप डाउनलोड कीजिए। तो डाउनलोड हो गया, तो आप क्लोज कर देते हैं। अभी इस फोटो में कोई भी बैकग्राउंड नहीं है तो मुझे बैकग्राउंड लगाना है, तो इसके लिए आपको फिर से गूगल पे जाना है। और आपको लिखना है बैकग्राउंड कलर इमेज चेंज इमेज, बैकग्राउंड कलर चेंज इमेज लिखने से आपको एक ऊपर में वेबसाइट दिख रहा है ना, www.remove.bg, मतलब चेंज इमेज बैकग्राउंड remove.bg, जो पहला लिंक दिख रहा है आप इसको क्लिक करना है आपको। ये पे दिख रहा है चेंज इमेज बैकग्राउंड, तो आपको यहाँ पे अपलोड इमेज दिख रहा है तो उस पर आप क्लिक कीजिए। और पहला जो फोटो दिख रहा है आपको बच्चे का, जो मैंने पीछे का जो रिमूव किया और बैकग्राउंड, उस पर आप क्लिक कीजिए और ऊपर में डन है, डन पे क्लिक कीजिए। ये अपलोड हो रहा है इमेज। ये देखिए आ गया। उसके बाद आपको कलर लेना है, कोई भी कलर। तो पहले दिख रहे बैकग्राउंड इमेज, उसके बाद दिख रहे बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर पे आप क्लिक कीजिए और कोई भी कलर आप इसे चूज कीजिए। तो मैंने इस कलर को चूज करते हैं। तो ये देखिए, एक क्लिक से आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज हो गया। तो अभी इसको डाउनलोड करना है, नीचे देखिए डाउनलोड है, फिर से आप डाउनलोड कीजिए। तो हो गया डाउनलोड। तो डाउनलोड होने के बाद अभी क्या करना है, उसको रिसाइज करना है, फोटो को रिसाइज करना है या डॉक्यूमेंट्स को रिसाइज करना है, कोई भी रिसाइज करना है। तो आपको फिर से गूगल पे जाना है
और यहीं पे लिखना है आई एम रिसर्चर, देखिए आ गया आई एम रिसर्चर, उस पर आप क्लिक कीजिए और पहला जो ऑप्शन है आई एम रिसर्चर डॉट कॉम आप इस पर क्लिक कीजिए उसके बाद यहीं पे दिख रहे हैं क्लिक हेयर टू अपलोड और ड्रॉप फाइल, तो इसे क्लिक नहीं करके आप ऊपर में जाइए यूज प्रीवियस वर्शन, ऊपर में दिख रहा है ना आपको एक टैब, आप उस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको जो इमेज मैंने रेडी किया उसी को रिसाइज करना है, तो रिसाइज करने के लिए पहले अपलोड करना पड़ेगा, तो पहले अपलोड कर लेते हैं। इस इमेज को मैंने रेडी किया था, पहला जो बच्चे का फोटो दिख रहा है तो उस पर क्लिक करते हैं और डन पे क्लिक करते हैं। जो फोटो रेडी किया था उसको अपलोड किया, इस बच्चे का फोटो। उसके बाद अगर आपको क्रॉप भी करना है तो ऊपर में देखिए रोटेट क्रॉप रिसाइज डाउनलोड, ढेर सारा ऑप्शन है, आपको रोटेट करना है तो रोटेट कर सकते हैं, क्रॉप करना है तो क्रॉप कर सकते हैं, आपको इतना नहीं चाहिए तो आप क्रॉप कीजिए, इसको जितना चाहिए आप इतना लीजिए। बस मुझे इतना चाहिए, तो क्रॉप हो गया। अभी करना है मुझे रिसाइज, तो डीपीआई कितना होना चाहिए आपको हिसाब से देना है, जो आपका ऑनलाइन फॉर्म में लिखा रहेगा इतना डीपीआई होना चाहिए, जो डेंसिटी पर इंच जो बोलते हैं डीपीआई को, तो कभी 150 लिखा रहता है तो कभी 300 लिखा रहता है, जो लिखा रहेगा आप यहीं पे टाइप कीजिए और उसके बाद नीचे जाइए, जाने के बाद आपको लिख दिया कि इतना सेंटीमीटर से इतना सेंटीमीटर होना चाहिए, जैसे कि 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर लिख देगा, तो आपको सेंटीमीटर पे भी पिक्सल सेंटीमीटर परसेंट इंच सब दिख रहा है आपको, तो आपको सेंटीमीटर चाहिए तो सेंटीमीटर लीजिए। और उसके बाद नीचे देखिए वाइड विथ और हाइट जो है आपको कितना बोला 3.5 या 4.5, तो विथ मैंने 3.5 दे देता हूँ और हाइट 4.5 दे देता हूँ, जो जनरली ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फिल करने के लिए ये बोलते हैं कि वेट इतना होना चाहिए और हाइट इतना होना चाहिए। उसके बाद अपने डीपीआई मैंने 300 रख दिया, आपके हिसाब से आप ले सकते हैं। उसके बाद जो यूनिट लिख रहा है पिक्सल परसेंटेज सेंटीमीटर, मैंने सेंटीमीटर ले लिया, और कोई कोई जगह पे आप एमएम भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वेट 35 mm और हाइट 45 mm, तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के टाइम लिख देगा वो कितना सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और विथ कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, तो आप इसके हिसाब से ये भी बिठा दीजिए। और उसके बाद नीचे देखिए रिसाइज है और रिसाइज पे क्लिक कीजिए, देखिए आपका फोटो रेडी है। अभी आपको कौन सा फॉर्मेट पे लाना है, सिलेक्ट फॉर्मेट करना है, तो आपका ऑनलाइन फिल करने के टाइम जो एप्लीकेशन फिल करने के टाइम तो लिख देगा कि जेपीजी चाहिए या पीएनजी चाहिए या बीएमपी चाहिए, तो लिख देगा, तो ज़्यादातर फोटो जेपीजी में होते हैं तो आप जेपीजी में क्लिक कीजिए, तो पहला जो ऑप्शन है जेपीजी है। उसका साइज जो है यहीं पे देखिए फाइल साइज है 19.19 के भी ले सकते हैं, उससे छोटा चाहिए तो छोटा ले सकते हैं, कभी कभी बोल देते हैं कि 50 के बी के अंदर होना चाहिए, तो 50 के बी यहीं पे देखिए 70.6 हो गया, तो आप कमा सकते हैं यहीं पे 19.19 के भी हो गया। और उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करना है, देखिए टाइप जेपीजी हो गया, साइज साइज 19.19 के भी हो गया, और उसका जो विथ हो गया 3.5 और हाइट दिया था अपने 4.5, और इधर में डाउनलोड भी हो गया ये देखिए, तो डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड हो गया आपका, डाउनलोड पे आपका जो फोटो है साइज वाला फोटो वो मिल जाएगा। तो इसको ओपन करता हूँ और व्यू फोटोज में देख लेते हैं इसको, ये देखिए आपका जो साइज है 3.5 4.5 ये हो गया प्रॉपर साइज। तो इसी तरह कोई भी डॉक्यूमेंट्स को भी आप इसी तरह साइज बना सकते हैं, तो बाकी तो ऑनलाइन फिल करने के लिए जो डेटा है वो तो आप टेक्स्ट फिल कर सकते हैं, और जब डॉक्यूमेंट अपलोड करना है या फोटो अपलोड करना है तो इसी तरह आप मोबाइल पे रिसाइज करके उसको अपलोड कर सकते हैं। तो कितना ईजी है फ्रेंड, तो आप खुद कीजिए और अपना मोबाइल से अपना जॉब अप्लाई कर सकते हैं या कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन
फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो फ्रेंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नया नया इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे आपको। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए इतना ही।